हेलो दोस्तों, आज फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑन प्रेजेंटेशन में स्वागत है। ब्लूटूथ मोड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 4440 IC से एम्पलीफायर कैसे बनाया जाता है तो वो वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम इसकी टेस्टिंग करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने इसको ब्लूटूथ से ऑन कराया, मैं इसको ब्लूटूथ से चला रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका रिमोट है। एफएम फ्रेंड्स, आप देखिए, मैंने इसको बहुत क्लियर साउंड है, बहुत अच्छा साउंड है, और ये सोचे कि दोस्त को आसानी से आराम से चला देता है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और दबाएं इस घंटे को ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर पाएं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube। चलिए स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं कैसे बनाना है इसको, और इसे बनाने में हमें किन किन पार्ट्स की आवश्यकता होगी। ये हमारे पास MDF बोर्ड है, 4 mm वाला। इसकी 24 सेंटीमीटर लंबाई रखनी है हमारे को और 16 सेंटीमीटर में चौड़ाई रखनी है, और 4 mm इसकी मोटाई है। ये इसके साइड पीस है जिसकी 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 24 सेंटीमीटर लंबाई। ये भी इसके साइड पीस है, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई रखनी है हमें। ये दो पीस चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हमें फेविकोल की सहायता से इन पीसों को चिपकाना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये इतनी पतली है, इसमें कील तो ठुकेगी नहीं, तो इसे हमें फेविकोल की सहायता से ही लगाना पड़ेगा। ये एब्रो टेप है जो कि हार्डवेयर की शॉप पर आसानी से मिल जाएगी आपको। हार्डवेयर की शॉप पे भी अगर ना मिले तो पेंट वाले की शॉप पे, जहाँ पर ऑयल पेंट वगैरह और ये जितने भी पेंट होते हैं कलर वगैरह, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगी टेप। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे साइड पीस मैंने चिपका लिए। अब ये फ्रंट का लास्ट पीस है, इसे भी हमें फेविकोल लगा करके चिपकाना है। और फेविकोल लगाने के बाद फ्रेंड्स, इसे हमें कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए इसको हमें धूप में छोड़ना पड़ेगा ताकि इसका फेविकोल आसानी से सूख जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके चारों पीस मैंने चिपका लिए हैं। अब हमें एक इंजेक्शन की सहायता से इसके कॉर्नरों में फेविकोल भर देना है ताकि इसे और ज़्यादा मजबूती मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसमें चारों तरफ फेविकोल भरना है और इसे हमें धूप में सुखा देना है कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए। अब इसकी हम ये सूख कर रेडी हो चुका है, बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट हो चुका है ये सूख कर, और इसे हमें टेप उठा लेनी है। और ये हमें लकड़ी के कॉर्नर चाहिए 4, ताकि जो उसका हमें ऊपर का टॉप लगाना है तो उसके पेच इसमें आसानी से लगा सके, इसीलिए हमें इसमें 4 कॉर्नर लगाने हैं। इन 4 कॉर्नरों पे हमें फेविकोल लगा करके और इन्हें सेट कर लेना है। देखिए, ये सेट हो चुके हैं 4 कॉर्नर। ये हमने इसमें USB कार्ड और 2 स्विच और 3 टोन के लिए छेद निकाल लिए आगे की तरफ, और पीछे की तरफ स्पीकर और RC सॉकेट, और इसकी जो हमें 12 वोल्ट सप्लाई बाहर से चलाना है, जिससे जैसे कि गाड़ी वगैरह में भी चला सकते हैं इसे हम, ट्रैक्टर वगैरह में, बस वगैरह में, कार वगैरह में भी चला सकते हैं 12 वोल्ट सप्लाई से, DC सप्लाई से। तो उसके लिए हमने इसमें पीछे 2 सॉकेट छोड़ दिए, और ये हमने इस पर शीट चिपका लिए। ये इसमें हमने विनाइल शीट चिपका लिया, ब्लैक कलर की कार्बन शीट है ये। इसका जो ऊपर का बॉटम है, टॉप बॉटम, इस पर भी हमें शीट लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो फ्रेंड्स इसमें ग्लू लगी भी आती है शीट के अंदर, लेकिन फिर भी मैंने इसमें SR लगाया है
ताकि ये और अच्छी तरह से मजबूती से चिपक जाए। आप भी चाहे तो उसमें SR लगा करके और अच्छी तरह से चिपका सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बॉक्स रेडी है। अब हमें इसमें फिटिंग करनी है हमें, और इसमें हमें सर्किट वगैरह लगाने और स्विच वगैरह लगा करके और कनेक्शन करने। ये वफर है, छोटे वाले वफर हैं ये भी हार्डवेयर के शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। 1 रुपये का एक आएगा ये, ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए हमने वफर भी लगा लिए इसमें। अब ये शीट मैंने बना के रख रखी थी पहले से फ्रेंड्स, बस हमें इसको चिपकाना है इस पर। देखिए फ्रेंड्स, ये स्टिकर शीट है, ये मैंने चिपका दिया इस पर। अब हम इसमें से ये पीस निकाल लेने बीच बीच के, बाकी की शीट को काट लेना है, ये जो वाइट वाइट है झांझा पर। अब हमें एक मेन लीड चाहिए, पावर लीड चाहिए हमें एक मेन वाली, इसे हम अंदर ले लेते हैं। और एक टाई लेनी है, टाई की सहायता से अभी इसके हम केबल टाई है, ये इलेक्ट्रिकल की शॉप पे आसानी से मिल जाती है फ्रेंड्स, ताकि हमारा तार पीछे वापस ना जा सके, इसलिए हमने इसमें टाई लगा ली है। ये हमें 12012 डेढ़ एम्पियर का ट्रांसफार्मर चाहिए फ्रेंड्स। वैसे तो 12.0 से ही हमें काम पड़ेगा, 12012 नहीं चाहिए, क्योंकि हम 44-40 का जो सर्किट लगा रहे हैं उसके अंदर 12.0 ही सप्लाई लगती है, 12012 नहीं लगती है। लेकिन मेरे पास 12.0 नहीं था, इसलिए मैंने 12012 का यूज लिया है। अब हमें इसमें एक स्विच लगाना है ताकि इसे हम ऑन ऑफ कर सकें। तो हमें एक पावर केबल का एक तार और ट्रांसफार्मर का एक तार स्विच में लगाना है, और ट्रांसफार्मर का एक तार और पावर केबल का एक तार, उनको आपस में जॉइंट कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से मैं जॉइंट कर रहा हूँ उसी तरह आपको करना है। ये सोल्डरिंग कर दी फ्रेंड्स, और ये हीट श्रिंक ट्यूब है, ये इस पर हमने चढ़ा दिया। और हमें, आपके पास लाइटर है तो लाइटर की सहायता से, या फिर ड्रायर है तो ड्रायर की सहायता से इसे चिपका सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अब हमें 2 छोटे बोल्ट चाहिए, नट बोल्ट, ताकि ट्रांसफार्मर को हम सेट कर सके इस पर। ये ट्रांसफार्मर लगा दिया है फ्रेंड्स हमने। देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर लग चुका है। ये हमारे पास 40-44 की एक किट है, 44-40 सॉरी, ये हमारे पास 44-40 की किट है। इसके कनेक्शन मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में समझा दिए हैं अच्छी तरह से। अगर आपको कनेक्शन नहीं समझ में आए कोई भी, तो आप मेरा वो पुराना वाला वीडियो जा करके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। ऊपर आई बटन में आपको शो हो जाएगा उसका वीडियो का लिंक, आप वहाँ जा करके उस पर क्लिक करके और इसके कनेक्शन चेक कर सकते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे करना है। ये स्पीकर सॉकेट है, दोनों के तार इसमें जोड़ना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये ड्यूल IC किट है और इसमें दो आउटपुट है। फ्रेंड्स ये ड्यूल IC किट है, इसके अंदर 2 आउटपुट है, 2 चैनल की है। तो हम इसमें ड्यूल चैनल वाला स्पीकर का सॉकेट लगाना है। इसे भी हम नट बोल्ट की सहायता से टाइट कर लेते हैं। ये हमारे पास 4 तार हैं, 2 तार एक चैनल पे रेड और ब्लैक पे, और 2 तार एक चैनल पे रेड और ब्लैक पे। सोल्डरिंग करना है, ये हमें सोल्डरिंग कर दी है इनकी। ये फ्रेंड्स RC सॉकेट है। फ्रेंड्स ये जितने भी सामान मैं इसमें लगा रहा हूँ, जो भी मैं पार्ट्स इसके लिए यूज ले रहा हूँ मटेरियल, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है फ्रेंड्स, तो मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स किसी भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ जाके मुझे फॉलो करें और आप वहाँ से मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, जो भी मैं आपको ऑनलाइन मिल जाऊँगा, वहाँ मैं सब चीज़ बता दूँगा।
फ्रेंड्स ये बनाना प्लग है, फीमेल सॉकेट है, जिस बनाना प्लग का फीमेल सॉकेट है ये। फ्रेंड्स ये इसीलिए लगा रहे हैं हम ताकि जो हम ये बॉक्स बना रहे हैं एम्पलीफायर बॉक्स, इसे हम इंडोर व आउटडोर दोनों तरह से यूज ले सकें। जैसे कि हमें कार में चलाना है तो हम इसे कार की बैटरी से सीधे 12 वोल्ट की सप्लाई दे करके और इसे यूज में ले सकते हैं। ट्रैक्टर में चलाना है, बस में चलाना है, जिस किसी में भी चलाना है आप सीधे 12 वोल्ट की सप्लाई दे करके इसे यूज में ले सकते हैं। डीसी 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, इसे हम यूज में ले लेंगे। ये हमने सर्किट को 12-0 सप्लाई दे दी है। जो नीला वाला तार है फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर का वो 0 है और जो दो येलो तार है वो 12-12 वोल्ट के पॉजिटिव वायर है और जो ब्लू है वो नेगेटिव है। सर्किट का जो ब्लैक वाला वायर है वो हमने नीले वाले ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया और जो सर्किट का रेड वाला तार है वो ब्लू येलो तार से जोड़ना है ट्रांसफार्मर के। ये हमने तीनों टोन कस लिए हैं इसके और ये हमारे पास USB FM किट है। फ्रेंड्स ये दो तरीके की आती है, एक आती है बिना ब्लूटूथ वाली और एक आती है ब्लूटूथ वाली। ये हमारे पास ब्लूटूथ वाली है, 10 या 20 रुपये का फ़र्क होता है फ्रेंड्स, इसलिए ब्लूटूथ वाली ही यूज में ले। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा करके इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ये मैंने इसको टाइट कर लेते हैं, स्क्रू की सहायता से इसे हम टाइट कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें मैंने दो तार पहले से लगा रखे थे, रेड वाला है जो पॉजिटिव है और ब्लैक वाला है वो नेगेटिव है। इसे हम इस कार्ड को हमें 5 वोल्ट सप्लाई से चलाना है, 5 वोल्ट DC सप्लाई से। इसके लिए हमें एक स्विच लगाना है और हमने स्विच में इसका एक रेड तार स्विच में लगाना है और जो स्विच का जो दूसरा पॉइंट है वहीं से वापस से वो रेड तार वापस से हमें निकाल लेना है। देखिए फ्रेंड्स मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, आप देखते जाइए समझ जाएंगे आप। अब हमारे पास ये दो तार बचे हैं सिर्फ, एक रेड और एक ब्लैक। फ्रेंड्स रेड वाला जो पॉजिटिव है और जो वाइट वाला है, पहले ब्लैक का जिसे हमने वाइट कर दिया, अब टेप हटा करके इसे हम सप्लाई देंगे 5 वोल्ट की। ये फर्स्ट चैनल है फ्रेंड्स, ये ग्राउंड और ये सेकंड इनपुट दिया हमने इसे। ये हमने LED ले ली एक रेड कलर की छोटी वाली 3 mm की। ये 1K का रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स, LED के पॉजिटिव लेग पे लगाना है। LED के पॉजिटिव लेग में लगा करके एक रेड तार यहाँ पर लगा सोल्डरिंग करना है और नेगेटिव वाले पे ब्लैक तार सोल्डरिंग करना है। और इन दोनों रेड और ब्लैक वायर को जहाँ से हमने भी USB कार्ड को सप्लाई दी है वहीं पर ही लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स USB वाली सप्लाई से ही हमें LED को भी चलाना है। अब हमें इसका ऊपर का टॉप लेना है और इसमें 4 इंच का स्पीकर लगा देना है। फ्रेंड्स ये बिल्टन का स्पीकर है 4 इंची वाला, मार्केट में आसानी से मिल जाएगा आपको। फ्रेंड्स जरूरी नहीं है बिल्टन का ही यूज लेना, आपको कोई सा भी यूज में ले सकते हैं जैसा आपको सूटेबल हो, बस ऐसा लेना कि बॉक्स के अंदर आ जाए वो, इतना बड़ा मत ले लेना ताकि बॉक्स के अंदर ही ना आए वो। फ्रेंड्स इसके चारों स्क्रू टाइट कर लिए हमने। अब इसके जो दो तार हैं येलो, जो फर्स्ट चैनल के दोनों येलो तार हैं उन पे सोल्डर करना है हमें इसको। ये सोल्डर कर दिया हमने और अब इसे हम 4 पेच लगा करके टाइट कर देंगे, हमारा बॉक्स रेडी है। फ्रेंड्स नोब लगानी है अब हमें, ये तीनों नोब लगा लेते हैं हम।
देखिए फ्रेंड्स कितना शानदार बॉक्स बना है हमारा। अब हम इसे टेस्टिंग करके देख लेते हैं। हमने सप्लाई दे दी इसे, ये पावर ऑन हो गया। पावर ऑन होते ही फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसे आरसी सॉकेट से चला कर देखना है। ये हमने इसको मोबाइल में लगा दिया, इसका 3.5mm जैक ऑफ जैक। साउंड इसका बहुत क्लियर है, बहुत अच्छा साउंड है, मोबाइल में अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया है। सॉरी बाकी फ्रेंड्स यकीन मानिए बहुत अच्छा साउंड है इसका। अब हम इसे ब्लूटूथ से चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स गाना चला दिया, ये बंद कर दिया, ये चला दिया फिर से। फ्रेंड्स फेक वीडियो नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा नहीं सोचना। मैंने सॉन्ग ऊपर से ऐड करके डाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सॉन्ग बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, फ्रेंड्स सॉन्ग इसके अंदर ही चल रहा है। यकीन मानिए मैं बिल्कुल भी फेक वीडियो कभी भी नहीं बनाऊंगा, ओरिजिनल वीडियो ही बनाऊंगा। अगर मैं इसमें देखो फ्रेंड्स ऐसा चला कर दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड ये चैनल पर कर रहा है। अब हम इसमें मेमोरी कार्ड से चला कर दिखाता हूँ। ये देखिए और गाने चला कर पेन ड्राइव लगाई इसमें, पेन ड्राइव लगाती इसमें खुद ने अपना स्कैन करके बोल दिया USB कनेक्टेड। देखिए फ्रेंड्स गाने चल रहे हैं इसमें। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए और उसे आप